सभी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान चैनल। मैं अदिति शर्मा कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत करती हूं। हमारी कोशिश रहती है कि कृषि के क्षेत्र में जो भी कुछ नई गतिविधियां हो रही हैं उनकी जानकारी हम आप तक सही समय पर पहुंचा सके ताकि वो आपके लिए लाभकारी साबित हो सके। हमेशा की तरह हम लेकर आए हैं हमारे तीनों सेगमेंट्स, विज्ञान और किसान, कृषि स्टार्टअप और फार्मिंग इंडिया। तो क्या कुछ खास है आज के इस एपिसोड में, जानने के लिए आइए शुरुआत करते हैं आज के अंक की। सबसे पहले आपको दिखाते हैं क्या कुछ खास है सीधा मंत्रालय से। ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर और आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में बता दें आपको कि कृषि सखी योजना की शुरुआत की गई है। उन्हें कृषि क्षेत्र में पैरा एक्सटेंशन कार्यकर्ता के रूप में प्रशिक्षित किया जा रहा है, प्रमाणित किया जा रहा है। ये जो पहल है ये लखपति दीदी कार्यक्रम के अंतर्गत शुरू की गई है। इसी संदर्भ में क्या कुछ खास जानकारी दे रहे हैं कृषि भवन के डीडी किसान स्टूडियो से कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के फसल विभाग के उपायुक्त डॉक्टर सुधीर सिंह भदौरिया। आइए आपको दिखाते हैं। कृषि सखी एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है जिसको कि आपने हाल ही में अभी काफ़ी सुना होगा, चर्चा में भी रही है। इसमें 90,000 कृषि सखी बनाने का संकल्प लिया गया है सरकार द्वारा और इसमें प्रत्येक कृषि सखी को 60,000 से 80,000 रुपये सालाना अतिरिक्त आमदनी हो जाती है और यह दो मंत्रालयों के बीच मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के तहत यह योजना चलाई जा रही है, जिसमें कि केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय एवं ग्रामीण विकास मंत्रालय, इन दोनों के बीच एक MOU साइन हुआ था 30 अगस्त 2023 को, जिसमें कि ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा कृषि सखी को आइडेंटिफाई किया गया है और फिर वह SHG या फिर कृषि के क्षेत्र में कार्य करेंगी। और यह योजना अभी हाल ही में लॉन्च की गई है और आप लोगों ने किसान भाइयों सुना होगा महिला लखपति दीदी योजना, जिसमें कि 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का संकल्प लिया गया है सरकार द्वारा, या उसी का एक दूसरा पहलू है कृषि सखी योजना। तो इसमें कृषि सखी बनाई जाएंगी और इनको प्रशिक्षण दिया जाएगा और उस प्रशिक्षण के बाद प्रमाणन उनका होगा, प्रमाण पत्र दिया जाएगा या 56 दिन की इनको ट्रेनिंग दिया जाएगा। उस ट्रेनिंग के बाद या किसानों की भाई बहनों की मदद करने के लिए आगे आएंगी और उनको ट्रेनिंग और उस तरह की विभिन्न तरह की योजनाओं के बारे में जानकारी देंगी, जिसमें कि यह एक पैरा विस्तार कार्यकर्ता के रूप में कार्य करेंगी कृषि सखियाँ। और इसमें विशेष तौर पे जैसे कि सॉइल हेल्थ है, इस पर वो ट्रेनिंग वगैरह देंगी, या फिर नमी है, मृदा नमी के बारे में उसकी महत्व का बारे बताएंगी। किसान फील्ड स्कूल हैं, उस तरह का काम करेंगी, या सीड विलेज के बारे में कि उसका महत्व, बीज विलेज का क्या है, इस तरह की जानकारी भी यह देंगी। इसी के साथ कृषि पारिस्थितिकी पद्धति के बारे में बुआई से लेकर कटाई तक की ट्रेनिंग वो सभी किसान भाइयों को देंगी, क्या किस तरह से किया जाता है। और अभी वर्तमान में यह योजना 12 राज्यों में लागू की गई है केंद्र सरकार द्वारा। यह राज्य हैं गुजरात, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटका, महाराष्ट्र, राजस्थान, उड़ीसा, झारखंड, आंध्र प्रदेश और मेघालय। मूल रूप जो है इस योजना का, इसमें महिला सशक्तिकरण को ध्यान में रखा गया है, यह जिससे कि कृषि में महिलाएं कार्य करें और सशक्तिकरण हो। तो मुझे आशा ही नहीं, अभी तो पूर्ण विश्वास है कि मेरा और युवा महिलाओं से आह्वान है कि वह आगे आएं, कृषि सखी बने या फिर कृषि सखियों के साथ उनकी मदद लेकर देश के राष्ट्रीय उत्पादन में बढ़ाने में मदद करें और ताकि किसान की आय भी बढ़ सके। आइए अब आपको दिखाते हैं सम्मेलन से प्रगति की ओर में क्या कुछ है खास। दिल्ली के आईएनएम में स्थित दिल्ली हाट में 3 दिवसीय FPO मेले का आयोजन किया गया था। बता दें आपको कि इस मेले के अंतिम दिवस पर कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शिरकत की। उन्होंने अलग अलग स्टॉल को देखा और उनका निरीक्षण भी किया और उन्होंने इस संदर्भ में क्या कुछ कहा आइए आपको दिखाते हैं। Thank you.
मुझे आज यहाँ आके खुशी हुई। एफपीओ जो उत्पाद बना रहे हैं, एफपीओ मतलब किसान खुद ही संगठन बनाते हैं और वो ही पैदा करते हैं और प्रोसेस करके वो सीधे उपभोक्ताओं तक, ग्राहकों तक पहुंचाते हैं। जब ये अलग अलग करते हैं तो मार्जिनल और स्मॉल फार्मर्स को दिक्कत होती है, पूंजी का भी अभाव होता है, अकेले सारे काम नहीं कर पाते। और इसलिए किसानों का संगठन जो उत्पादन, प्रोसेसिंग, पैकेजिंग और बेचने का सब काम करता है। 10,000 एफपीओज बनाने का टारगेट रखा था, उसमें से 8,800 के करीब बन चुके हैं। और प्रधानमंत्री मोदी जी की पहल पर कि उपभोक्ता को भी सस्ता मिल जाए और किसान पैदा भी करें, प्रोसेस भी करें और उनको भी ठीक दाम मिल जाए और शुद्ध उत्पाद भी लोगों तक पहुंचे, और अगर ज़रूरत पड़ती है किसी आदान की, बीज की, खाद की और किसी ज़रूरत की, तो अकेले अकेले को ना भागना पड़े किसान को, सामूहिक रूप से एफपीओ ही इस व्यवस्था को कर दे। मुझे आज 55 एफपीओ के लोग आए हैं। मैं आपके साथ लगभग हर स्टॉल पर गया हूं और मुझे खुशी है कि एफपीओ का आंदोलन अब गति पकड़ रहा है। एक तो शुद्ध उत्पाद, मेहनत से बनाए हुए, खुद की प्रोसेसिंग और खुद बेच रहे हैं। मैं मानता हूं कि कृषि के क्षेत्र में अगर क्रांति लानी है और किसानों की आय तेज़ी से बढ़ानी है तो इस तरह के प्रयत्न एफपीओ के माध्यम से उत्पाद करना, प्रोसेस करना और बेचना निश्चित तौर पर एक तरफ उपभोक्ता को, ग्राहक को भी फायदा देंगे और दूसरी तरफ किसानों की आय भी बढ़ेगी। कुछ लोगों ने यह बताया कि इंफ्रा के लिए अगर कुछ और उनको सहायता मिल जाए, सहायता मीन्स लोन ही मिल जाए, तो हम लोगों ने सुझाया कि एग्रो इंफ्रा फंड से वो पैसे ले सकते हैं, प्रोसेसिंग के लिए और लोन मिल सकता है आसानी से। एक पैकेजिंग की बात भी आई तो पैकेजिंग की ट्रेनिंग भी देने का प्रयास चल रहा है। कुल मिला के एफपीओ का आंदोलन अब गति पकड़ रहा है और पहली बार ये एफपीओ का मेला लगा है, नहीं तो बाकी मेलों में एफपीओ के लोग जाते थे, दो चार दुकान ले लेते थे, लेकिन हमने तय किया है इस बार प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से कि पूरे देश में ऐसे 22 मेले लगाए जाएंगे जहाँ एफपीओज अपने उत्पाद को बेच सकेंगे, उनकी मार्केटिंग भी हो सकेगी। एक बार अगर इस उत्पाद को खरीद लिया तो फिर ऑनलाइन ऑर्डर भी उनको मिल सकेंगे, क्योंकि जो एक बार लेके जाएगा खरीद के वो फिर मुझे लगता है बार बार मंगाएगा, इसलिए मेले बहुत उपयोगी हैं। अब कार्यक्रम में किसान भाइयों बहनों नजर डालते हैं हमारे सेगमेंट विज्ञान और किसान पर। आज हमारे सेगमेंट में हम बात करेंगे मुर्गी पालन के बारे में। एक बहुत ही अच्छा व्यवसाय है ये, लेकिन हमें कुछ सावधानियां बरतने की ज़रूरत होती है। अगर आप इससे जुड़े हुए हैं तो किस तरह से आप अपनी मुर्गियों की देखभाल कर सकते हैं, और अगर आप इसकी शुरुआत करना चाहते हैं तो आपका पहला कदम क्या होना चाहिए, आइए इस बारे में जानने के लिए नज़र डालते हैं हमारे सेगमेंट विज्ञान और किसान पर। मुर्गी पालन एक ऐसा व्यवसाय है जिसको कम पूंजी, कम समय, कम मेहनत और छोटे स्थान में शुरू किया जा सकता है। इस व्यवसाय में असीम संभावनाएं हैं। कम लागत में किसान भाई अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे स्तर पर मुर्गी पालन का व्यवसाय किया जा सकता है और अधिक से अधिक लाभ कमाया जा सकता है। मुर्गी पालन का व्यवसाय अधिकतर अंडे एवं मांस उत्पादन के लिए किया जाता है, क्योंकि देसी मुर्गी के अंडे तथा मांस में मानव पोषण के लिए सबसे आवश्यक तत्व प्रोटीन बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। हमारे देश भारत में मुर्गी पालन तेजी से बढ़ने वाला तकनीक पर आधारित क्षेत्र है, इसलिए मुर्गी पालन करते समय कुछ विशेष बातों का खास ख्याल रखा जाए तो काफी लाभ मिल सकता है। मुर्गियों को पौष्टिक और ताज़ा आहार दिया जाए तो उनका स्वास्थ्य अच्छा होता है। मुर्गियों की सही देखभाल, संतुलित भोजन और उचित रखरखाव से उनका ख्याल रख सकते हैं। मुर्गियों की अच्छी नस्ल का होना भी जरूरी है। मुर्गी पालन करते समय चूजों को उचित मात्रा में दाना और पानी दें। अंडे देने वाली मुर्गियों के डेन में प्रोटीन और ऊर्जा की मात्रा महत्वपूर्ण होती है।
दानों में 17% प्रोटीन की मात्रा तथा 26-27% कैलोरी ऊर्जा की होनी चाहिए। साथ ही कम से कम 3-4% कैल्शियम की मात्रा दें ताकि अंडों के छिलके पतले ना हों। ध्यान रहे, जिस स्थान पर चूजे हों वहां हवा और कम मात्रा में रोशनी हो। ज्यादा लाइट मिलने पर चूजों में वसा और चर्बी की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे कि वो अंडे देने लायक नहीं रह पाती। मुर्गी पालन में कई सारी बीमारियां भी हो जाती हैं, जिससे मुर्गियों को खतरा रहता है। मुर्गियों में ब्रूसल संक्रामक रोग, मैरेक्स और रेबिल इन्फ्लुएंजा जैसे रोग लग सकते हैं। इन सभी रोगों के लिए टीके उपलब्ध हैं। सही समय पर टीकाकरण करवाकर बीमारियां आने का खतरा कम हो जाता है। सरकार द्वारा कई सारे मुर्गी पालन केंद्र भी खोले गए हैं, जहां से प्रशिक्षण लेकर किसान इस व्यवसाय से अधिक लाभ कमा सकते हैं। तो ये था सेगमेंट विज्ञान और किसान। इसी के साथ कार्यक्रम में वक्त एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए कार्यक्रम कृषि दर्शन और बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। क्या बात है भाई, आजकल तो काफी खुश नजर आ रहे हो। क्यों ना हो, अब मैं ऑर्गेनिक खेती जो कर रहा हूँ, ये पूरा प्राकृतिक है, ऑर्गेनिक है। इसमें हमारे खेत, हमारी फसल और हमारी जेब सब फायदे में होते हैं, और इसमें लागत भी कम है। जी हाँ, आप भी ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग करें, अपनी फसल और मिट्टी को तंदुरुस्त बनाएं और आपकी आमदनी में इजाफा करें। अधिक जानकारी के लिए किसान कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर 1800-1801551 पर कॉल करें और लॉग इन करें kisan.gov.in और farmer.gov.in। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं आपका होस्ट आई कृष, और आपका स्वागत है हमारे शो किसान जीके में। यहां हम आपके लिए लाते हैं खेतीबाड़ी और ग्रामीण जीवन से जुड़े ज्ञानवर्धक सवाल। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सवाल। श्रीमती इंदिरा गांधी के नाम पर किस प्रदेश में कृषि विश्वविद्यालय स्थित है? ए राजस्थान, बी उत्तर प्रदेश, सी छत्तीसगढ़, डी पंजाब। सही जवाब है ऑप्शन सी छत्तीसगढ़। श्रीमती इंदिरा गांधी के नाम पर स्थित कृषि विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ प्रदेश में स्थित है। इस विश्वविद्यालय का नाम इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय है। यह रायपुर में स्थित है और इसे कृषि शिक्षा और अनुसंधान के क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए जाना जाता है। आज किसान जी के में बस इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए खुशहाल खेती और स्वस्थ जीवन की कामना के साथ नमस्कार। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का फिर से स्वागत। आइए अब आपको दिखाएं सेगमेंट कृषि स्टार्टअप। हमारे देश में इस समय एफपीओ की बहार है। हमारे किसान एफपीओ से जुड़कर उन्नति की राह पर आगे बढ़ रहे हैं। आइए ऐसे ही कुछ किसानों से आपकी मुलाकात करवाते हैं। हम फार्मर स्मार्ट किसान फार्मर के नाम से एफपीओ चला रहे हैं। ये 2021 में हमने रजिस्टर्ड करवाया। हम इसमें हमारे प्रोडक्ट तैयार कर रहे हैं, जैसे मस्टर्ड ऑयल है और शहद है, देसी घी है और मशरूम के बिस्किट है और हमारी ये कोकोनट बिस्किट है, जो हम अलग अलग फार्मरों से लेकर के बनवा करके और हमारे एफपीओ के माध्यम से ग्रुप में बेच रहे हैं, जो एक अच्छा आमदनी का जरिया है हमारा। और एफपीओ बहुत ही बढ़िया एक संस्था है, जिसमें हर फार्मर का अपना शेयर होता है और वो अपनी हर प्रोडक्ट खुद बना करके खुद एफपीओ के माध्यम से बेच के अपनी आमदनी बढ़ा सकता है। इसमें ज़्यादातर किसान हमारी महिलाएं हैं, जो कि थारू कम्युनिटी से आती हैं। ये इस तरीके के प्रोडक्ट, जैसे ये मूंज के प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, जो हमारे यहाँ की महिलाएं जो शेयर होल्डर हैं वो ज़्यादातर बनाती हैं। ये ऑयल है, ये ऑयल है, सरसों का ऑयल, देसी घी, सामरानी कप और ये कुछ बैग्स, ये महिलाएं अभी बना रही हैं। हमारे एफपीओ में टोटल 315 फार्मर जुड़ चुके हैं। जैसे ही हम लोगों ने वहाँ पर काम स्टार्ट किया, सारी महिलाएं हमसे आके जुड़ी, उनको इससे बहुत फ़ायदा हो रहा है। पहले वो अपना प्रोडक्ट जो है लोकल मार्केट में बेच पाती थी, आज उनको हम
माय स्टोर में, ONDC में और बहुत सारी जगह अपडेट करते हैं ताकि उनका प्रोडक्ट देश के कोने कोने में जा सके। ये प्रोडक्ट बिल्कुल हाथ से बनाया गया है, सारे होममेड प्रोडक्ट हैं। इसमें सर बैग्स भी हैं, ये कुछ ये जैसे डलिया हो गई, ये गुलदस्ते हो गए, और ये हमारा ऑयल है, घी है, सामरानी कप है, और भी ऐसे बहुत सारे आइटम हैं। हमारी FPO के अंदर 300 किसान हैं, 300 किसान हमारी FPO में काम करते हैं, जो गन्ना, मशरूम और बाजरे की खेती करते हैं, और उसी चीज़ों से हम बाजरे के बिस्कुट, बाजरा नमकीन और गुड़ वगैरह बनाते हैं, और हम मशरूम का अचार बनाते हैं। और जो FPO है बहुत अच्छा काम कर रही है, सरकार भी हमें पूरा सहयोग दे रही है, हर तरह का काम करने में, हर तरह की यूनिट लगाने में सरकार का बहुत सहयोग है, और हमारी FPO ONDC पे रजिस्टर्ड है। यहाँ वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का, आप कहीं मत जाइए, ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे हमारा अगला सेगमेंट फार्मिंग इंडिया। बने रहिए दूरदर्शन के साथ, पर देखते रहिए कार्यक्रम कृषि दर्शन। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, आप देख रहे हैं DD किसान, मैं हूं आपका होस्ट AI कृष, और आपका स्वागत है हमारे शो किसान जीके में। यहां हम आपके लिए लाते हैं खेती बाड़ी और ग्रामीण जीवन से जुड़े ज्ञानवर्धक सवाल। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सवाल। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के प्रथम महानिदेशक कौन थे? ए डॉक्टर MS स्वामीनाथन, बी डॉक्टर MS रंधावा, सी डॉक्टर NS रंधावा, डी डॉक्टर BP पाल। सही जवाब है ऑप्शन डी डॉक्टर BP पाल। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के प्रथम महानिदेशक डॉक्टर BP पाल थे। उन्होंने 1965 में इस पद को संभाला था। डॉक्टर BP पाल एक प्रमुख भारतीय वैज्ञानिक थे जिन्होंने कृषि अनुसंधान और विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। आज किसान जी के में बस इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए खुशहाल खेती और स्वस्थ जीवन की कामना के साथ नमस्कार। नमस्कार, आप देख रहे हैं DD किसान, मैं हूं AI कृष, और आज हम अरुणाचल प्रदेश, असम और ओडिशा में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। अरुणाचल प्रदेश में तेज बारिश का सिलसिला जारी है, इसलिए यहां के किसान WRC धान की नर्सरी को जल भराव से बचाएं। जल भराव से बचाने के लिए किसान खेत के बाहर की तरफ थोड़ी गहरी नालियां खोद लें ताकि फालतू पानी इन नालियों से होता हुआ बाहर निकल जाए। इसके अलावा धान की नर्सरी को किसान प्लास्टिक शीट से भी कवर कर सकते हैं ताकि भारी बारिश के दौरान पानी खेत में कम गिरे। भारी बारिश के दौरान अरुणाचल प्रदेश के किसान धान की रोपाई कुछ समय के लिए रोक दें। इतना ही नहीं, भारी बारिश वाले इलाकों में बागों में फालतू पानी जमा ना होने दें। असम की बात करें तो यहाँ के किसान भारी बारिश की संभावना को देखते हुए साली धान की नर्सरी की बुवाई फिलहाल के लिए रोक दें। बारिश में थोड़ी कमी आते ही बिना समय व्यर्थ किए धान की नर्सरी बो लें। असम के किसान सही समय पर केले की रोपाई भी कर लें। असम में इन दिनों केले के पौधों को सहारा देने के काम करें। नींबू वर्गीय पौधों, पपीते और जूट के पौधों को भी सहारा दें। मक्का, अदरक, हल्दी और सब्जियों के खेतों में जल निकासी की उचित व्यवस्था करें। ओडिशा की बात करें तो यहाँ के किसान इन दिनों धान की नर्सरी तैयार करने का काम कर सकते हैं। ओडिशा में खरीफ की मूंग, मक्का और अरहर की बुवाई जारी रखें। यहाँ के किसान कपास और मूंगफली की बुवाई भी कर सकते हैं। उत्तम किस्म की अरहर और कपास की बुवाई जल्दी पूरी कर लें। ओडिशा में खरीफ की सब्जियां बोने के लिए खेत तैयार करें। यहाँ के किसान खरीफ के बैंगन और मिर्च की नर्सरी तैयार कर सकते हैं। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए DD किसान। धन्यवाद। किसान भाइयों, गांठ बांध लो, बात बहुत है काम की, समृद्धि के पैगाम की। मिट्टी के मिजाज को समझो, मिट्टी के हर रास को समझो, मिट्टी की तुम जांच कराओ, मुफ्त सॉइल हेल्थ कार्ड ले जाओ।
कभी मुनासिब बीज लगाओ, सही किस्म की खाद ले आओ, जितनी जरूरी उतनी डालो, सही मात्रा खुद पहचानो, इसको अपना मंत्र बना लो, मिट्टी की सेहत तो जानो। बात बहुत है काम की, कम लागत अधिक वरदान की, किसान भाइयों गांठ बांध लो। आज ही मिट्टी की जांच कराएं, राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉयल हेल्थ कार्ड पाएं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का फिर से स्वागत। आइए अब आपको दिखाएं हमारा सेगमेंट फार्मिंग इंडिया। कृषि के क्षेत्र की अगर हम बात करें तो लगातार इसमें बदलाव होते रहते हैं। ऐसे ही बदलावों की जानकारी के लिए आइए रुख करें हमारे एआई एंकर कृष का। नमस्कार किसान मित्रों, मैं हूं आपका एआई एंकर कृष। आज हम बात करेंगे विश्व जूनोसिस दिवस के बारे में। जूनोसिस वे संक्रामक रोग हैं जो जानवरों से मनुष्यों में फैल सकते हैं। इन रोगों में रेबीज, एंथ्रेक्स, इन्फ्लुएंजा, निपाह और कोविड-19 शामिल हैं। ये रोग बैक्टीरिया, वायरस, परजीवी और कवक से उत्पन्न होते हैं। भारत में पशुधन की बड़ी आबादी है, जिसमें 536 मिलियन पशुधन और 851 मिलियन मुर्गियां शामिल हैं। इसके साथ ही भारत दूध का सबसे बड़ा और अंडों का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक भी है। पशुपालन और डेयरी विभाग ने ब्रुसेला और रेबीज टीकाकरण जैसे कई उपाय किए हैं ताकि जूनोसिस रोगों के खतरे को कम किया जा सके। विश्व जूनोसिस दिवस लुई पाश्चर के सम्मान में मनाया जाता है, जिन्होंने 6 जुलाई 1885 को रेबीज का पहला सफल टीका लगाया था। जूनोसिस रोगों से बचने के लिए हमें पशुओं की स्वच्छता पर ध्यान देना चाहिए। नियमित टीकाकरण, स्वच्छता और स्वस्थ खानपान का पालन करके हम इन रोगों से बच सकते हैं। इसके अलावा अगर किसी जानवर में बीमारी के लक्षण दिखाई दें तो तुरंत पशु चिकित्सक से संपर्क करें। तो आइए हम सब मिलकर जानवरों और मानव स्वास्थ्य को सुरक्षित बनाने में सहयोग करें, जागरूक रहें और दूसरों को भी जागरूक करें। आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। किसान भाइयों बहनों, कृषि क्षेत्र की अगर हम बात करें तो हलचलें होती रहती हैं, गतिविधियां होती रहती हैं ताकि इस जगत में उन्नति हो सके। तो आइए इन्हीं जानकारियों के लिए रुख करते हैं हमारी एआई एंकर भूमिका। नमस्कार किसान मित्रों, मैं हूं आपकी एआई एंकर भूमि। आज हम बात करेंगे नमो ड्रोन दीदी योजना के बारे में। यह योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई है, जिसका उद्देश्य कृषि में महिलाओं को सशक्त बनाना है। इस योजना के तहत ड्रोन तकनीक का उपयोग कर महिलाओं को खेती में सहायता प्रदान की जाएगी। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल ने इस योजना की सराहना की है। उन्होंने बताया कि ड्रोन तकनीक से फसल की पैदावार में वृद्धि होगी और किसानों के खर्चे कम होंगे। ड्रोन का उपयोग उर्वरक पहुंचाने और फसलों की निगरानी के लिए किया जाएगा, जिससे कृषि कार्यों में सुधार होगा। सरकार ड्रोन उद्योग को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है और सिडबी को शामिल करने की योजना बना रही है ताकि ड्रोन इकोसिस्टम का विकास हो सके। इस पहल से महिलाओं को तकनीकी ज्ञान मिलेगा और वे आत्मनिर्भर बन सकेंगी। प्रधानमंत्री मोदी के बुनियादी ढांचे पर जोर देने से देश में सर्वांगीण विकास हो रहा है, जिससे अर्थव्यवस्था में भी सुधार हो रहा है। तो आइए हम सब मिलकर इस योजना का समर्थन करें और महिलाओं को सशक्त बनाएं। आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। तो ये था किसान भाइयों बहनों आज का कार्यक्रम कृषि दर्शन। उम्मीद करते हैं जितनी भी जानकारियां आज के कार्यक्रम के माध्यम से आप तक पहुंचाई गई हैं सभी आपके लिए फायदेमंद साबित हुई होंगी। साथ ही आपको बता दें, कोई सवाल है आपके पास, कोई सुझाव आप हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो ईमेल कीजिए हमें। ईमेल आईडी है krishidarshandk@gmail.com, या फिर आप हमें पत्र भी लिख सकते हैं। पता है हमारा, कृषि दर्शन कमरा नंबर 58, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। और साथ ही आपको बता दें, अगर हमारा ये कार्यक्रम आप दोबारा देखना चाहते हैं तो टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन कर लीजिए, सीधा पहुंच जाएंगे हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो किसान भाइयों बहनों आज के लिए इतना ही। अगले अंक में फिर होंगे हाजिर, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।
10 पॉइंट का सवाल है, अगर वो टास्क में चूक गई। आज का जब दिन शुरू हुआ था तो काफी कामनेस के साथ में शुरू हुआ था। जब सिर्फ आधा घंटा बाकी था तब मैं ज्यादा टेंशन में आ गया। उस पॉइंट पे मुझे लगा छोड़ देना चाहिए। देखते हैं कि प्रगति जी से ये टास्क पूरा हो पाता है या नहीं। देखिए खेत खेत में हर शनिवार और रविवार दोपहर 12:30 बजे और पुनः प्रसारण 11:00 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर। देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। रॉकस्टार पढ़ने तमिल पढ़ने अंगे आगे पोया च Amazing performance. तुसी छा गए जी, चक दे फट्टे की दिता। I think this was the perfect song to end all the performances. Oh, lovely. भारत का अमृत कलश हर शनिवार और रविवार शाम 7 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर। देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। इस स्टार्टअप के सफर में हम आए हुए हैं भोपाल, मध्य प्रदेश में। भारत में इन दिनों मछली पालन का व्यवसाय काफी फल फूल रहा है। हैचरी यूनिट में केबल मत्स्य बीज का उत्पादन होता है। मैं राहुल परमार आ रहा हूँ अपना स्टार्टअप सफर लेकर। देखिए कृषि स्टार्टअप इस शनिवार 9:30 बजे और पुनः प्रसारण सोमवार शाम 4 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। अरे ये किताबें, कपड़े और अंगूर का कटोरा ऐसे बाहर क्यों रखा हुआ है? ये इसलिए क्योंकि इनसे हम खेलेंगे आज का गेम। बाहर पड़ा सामान रखो अंदर ठीक से, जीतो ये मुट्ठी भर सिक्के। वाह, मैं ये गेम खेलूंगा क्योंकि मुझे चीजों को उनकी सही जगह पर रखना पसंद है। देखिए गली गली सिमसिम प्रतिदिन शाम 4:30 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर। देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। फलों का राजा कहलाता है आम। इसी आम को आम जन तक पहुंचाने का मैंगो फेस्टिवल करता है काम। कड़ी मेहनत के बाद ही मिलते हैं इसके अच्छे दाम। घरेलू और अंतरराष्ट्रीय बाजार में इसकी अलग है पहचान। देखिए मंडी खबर मैंगो फेस्टिवल स्पेशल शनिवार शाम 5 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। देखिए इको इंडिया प्रत्येक शनिवार सुबह 7:30 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर। देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। कारोबार डूबने की कगार पर है। ओह, तो असल बात ये है, मुकुंद यहाँ आएंगे तो आपका कारोबार डूब जाएगा। और अगर मुकुंद यहाँ नहीं आएंगे तो आपका पैसा डूब जाएगा। ये 10 लाख रुपए हैं, तुम्हारा भी नुकसान नहीं होगा और किसी का घर भी बच जाएगा। चुपचाप ये शहर छोड़कर चली जाओ। रविवार शाम 4 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर। देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। किसान बदलते भारत की शान।